काफी दिनों की बारिश के बाद ऑन अ ब्राइट सनी डे हमने ये ट्रैक किया टू अ डेस्टिनेशन व्हिच इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देसी ट्रैवल टेल्स। इस वीडियो में आप एक मस्ती भरा ट्रैक देखेंगे और आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे इस ट्रैक के बारे में, जो एक बिगनर भी इजीली कर सकता है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं बिजली महादेव। हम नगर से बस लेके आने वाले थे, पर हमारे होमस्टे वाले भी कुल्लू जा रहे थे तो हमने उनसे लिफ्ट ले ली। ये ट्रैक शुरू करने के लिए आपको पहले कुल्लू में रामशिला तक आना पड़ेगा। वहां से कैब या बाइक भी रेंट पे आप लेके ऊपर तक जा सकते हैं, जहां तक गाड़ी जाती है। पहले लोग यहां से ही ट्रैक करना चालू करते थे, वैसे आप वो भी कर सकते हैं, बट बहुत लंबा जर्नी हो जाएगा। कुल्लू से आप चंसारी की बस भी ले सकते हैं ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक। रास्ता काफ़ी ख़राब है, तो अगर आप एक आउटसाइडर है और आपको पहाड़ों में चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो अपनी गाड़ी लेके बिल्कुल मत जाइए यहाँ पे। रास्ता भले ही ख़राब हो पर उसकी ब्यूटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ आप काफ़ी सारे गांव क्रॉस करके जाते हैं एप्पल ऑर्चर्ड्स के बीच में से होते हुए, और राइट हैंड साइड में जाने के वक्त आपको कुल्लू वैली भी देखने मिलती है, विच लुक्स एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग। कुछ आधे घंटे की ड्राइव के बाद ही ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है। यहाँ से शुरू होता है द एक्चुअल फन। तो हमने भी महादेव का नाम लेके स्टार्ट कर दिया चलना। आप भी हर हर महादेव बोल के सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए। यार इतना गोबर क्यों है, जहाँ जाती हूँ मैं इतना गोबर क्यों मिलता है मुझे। इट्स अ 3 किलोमीटर एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग ट्रैक। पिंकी महाशय रुक गए। महाशय माता हुआ महाशय का सांस फूल रहा है। पानी का बॉटल मैं हमेशा कैरी करती हूँ, बिकॉज मुझे प्लास्टिक बॉटल खरीदना अच्छा नहीं लगता। सस्टेनेबल ट्रैवलिंग कूल भाई, बहुत ऊपर चढ़ना है, यहीं पे हालत खराब हो जा रही है। अभी बोल रहा था गूगल से फोटो डाउनलोड करके डाल देंगे। यहाँ से एक लड़का अभी स्कूल के लिए जाता तो वापस घर नहीं स्कूल में रह जाता 3-4 दिन डायरेक्ट स्कूल करके वीकेंड वाले दिन घर। यहाँ से एक लड़का स्कूल से गया है, स्कूल यूनिफॉर्म में ऊपर गया है। चिंटू बोल रहा है वो उसका अगर स्कूल जाता था पढ़ाई नहीं करता। सही बात है यार, लाइफ टफ है पहाड़ों में। आज वेदर इतना अच्छा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। समर्स के टाइम आप नॉर्मल शूज़ में भी ये ट्रैक कर सकते हैं, बट विंटर्स के टाइम जब स्नो कवर्ड रहता है रास्ता काफ़ी स्लिपरी होगा, तो ट्रैकिंग शूज़ ही पहन के जाइए विंटर्स के टाइम। तो मेरा वीडियो बना, मैं तेरा वीडियो बना, टू मच फन। सलमान भाई रास्ता बहुत अच्छा है रे, लेकिन ना रास्ता अच्छा है। अराउंड 3 किलोमीटर का ट्रैक है ये और पूरी ही चढ़ाई है, तो आराम से नज़ारे देख देख के रुक रुक के जाइए, क्योंकि आपने कौन सा जाके टाइम पे पंच इन करना है ऑफिस की तरह। तो जल्दी बिल्कुल मत कीजिए डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, रास्ते का पूरा पूरा मज़ा उठाइए। अरे गिड़गिड़ है, रंग बदलेगा वो, अभी खून पी जाता है दूर से देख के, बताइए। डस्टबिन्स बने हुए हैं विच इज अ गुड थिंग, तो कूड़ा यहाँ वहाँ ना डाले।
ये कोई तो हिमालयन फ्रूट का जूस है, तो ट्राई करते हैं, यहाँ कैफे में मिल रहा है। और मैंने स्पिल कर दिया है टिंटू के पैन के ऊपर, जिससे कि टिंटू बहुत गुस्से में है। वेरी फूल। किस किस चीज का जूस बोला आपने? ब्रास। इसमें चीनी ऐड की है क्या? आपने चीनी ऐड की है इसमें? नहीं। अच्छा, खट्टी होती है, पर खट्टी होती है ये। पासर्स बाय से पूछा तो बोल रहे हैं और आधा घंटा चढ़ाई है। सिनेमाटोग्राफिक शॉट है। देखा था यार चीज़ है, शेष है, है। जादू पिंकी को और डिफिकल्ट रूट लेना है, ये काफी इजी पड़ रहा है उसके लिए। ऑलमोस्ट एक घंटा ट्रैक करके सांस फुलाते हुए जैसे तैसे पहुंचे हम ऊपर तक, जहां फिर ऐसे स्टॉल्स दिखने लगते हैं। अभी भी मंदिर आया नहीं था, यहां से भी मंदिर कुछ 100 मीटर की दूरी पे था। ये देखिए गाय और ये देखिए भैंस। जितना ऊपर जा रहे थे नज़ारे और भी सुंदर होते जा रहे थे, मैं क्या ही बोलूं, अब खुद ही देख लीजिए। ऊपर चढ़ के आपको एक अद्भुत तरीके का गेट मिलेगा, जिसके आजू बाजू कोई फेंस नहीं है, सिर्फ एक गेट है। पिंकी को बहुत डर है, अगर ये गेट लॉक कर दिया हम अंदर नहीं जा पाएंगे। पर एक बात ये भी है कि कोई भी साइड से नहीं जा रहा था, हर कोई उस गेट से होते हुए ही जा रहा था। ऊपर जाने पे जहाँ एक तरफ कुल्लू वैली दिखती है, दूसरी तरफ पार्वती वैली दिखाई देती है। इस मंदिर में कहते हैं हर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है, जिससे कि जो शिवलिंग है मंदिर का वो टूट जाता है। यहाँ के पंडित तब बटर और सत्तू से फिर से सारे पीसेस जोड़ने की कोशिश करते हैं, और वैसे ही वो फिर से सेम जैसा शिवलिंग था वैसा ही इंटैक्ट हो जाता है। अंदर का खैर वीडियो लेना अलाउड नहीं था, नहीं तो मैं आपको शिवलिंग भी दिखाती। ये आज तक बहुत बड़ा रहस्य है कि कैसे हर 12 साल में उसी जगह में बिजली गिरती है और कैसे वो शिवलिंग फिर से इंटैक्ट हो जाता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। ऑल्दो ये जगह बहुत पीसफुल है, पर यहाँ पे आपको महादेव की एक शक्ति तो महसूस ज़रूर होगी। यहाँ से पहाड़ भी इतना व्यू, इतना कूल है ना। यहाँ पे हो गया हमारा घूम के, अब थोड़ी कम हो गई। अब बच रहे हैं ऑलमोस्ट 4:30, हम गए थे 2 बजे, 2 बजे भी नहीं, इनफैक्ट 1:30 बजे स्टार्ट किया था हमने, और अभी 4:30 बज रहे हैं। थोड़ा खैर वीडियो करने में भी हमें टाइम लग जाता है, कोई सिर्फ ट्रैक करेगा तो 1.5-2 घंटे तो मुझे लगता है आराम से, अगर आप आ रहे हैं तो 1.5-2 घंटे तो लगने चाहिए आपको। बोलते हैं लोकल्स, बोल रहे थे आधा घंटा एक घंटा तो कहीं भी नहीं है, आराम आराम से नज़ारे देख देख के आएंगे, तो 2 घंटे में आप आराम से सब कर सकते हैं। ढुलते ढुलते आ रही है पिंकी जी। तो इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्लॉग। हर हर महादेव।